मिट्टी और वतन के लिए शहीद होने वाले तमाम सपूतों की कहानियाँ हमारी स्मृतियों में हैं, लेकिन जिनका उल्लेख आज हम कर रहे हैं वो मेघालय की माटी के वीर सपूत हैं। हम बात कर रहे हैं राजा तिरोट सिंह की, जो मेघालय के खासी समुदाय से आते थे। तिरोट सिंह अंग्रेजों की दखलंदाजी और मातृभूमि पर हस्तक्षेप के बिल्कुल खिलाफ थे। ब्रिटिश साम्राज्य ने जब उनके लोगों पर टैक्स लगाना शुरू किया तो तिरोट सिंह को ये बात अखर गई और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल दिया। 4 अप्रैल 1829 को तिरोट सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ धावा बोल दिया, जिससे अंग्रेजों के पांव उखड़ गए और जिसके बाद शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और तिरोट सिंह के बीच अदावत। करीब 10,000 योद्धाओं के साथ तिरोट सिंह ने कंपनी की भारी भरकम फौज से लोहा ले लिया और इस जंग में कंपनी को बुरी तरह मात खानी पड़ी। इस हार से बौखलाई कंपनी ने तिरोट सिंह के खिलाफ अंतहीन युद्ध छेड़ दिया। विश्वासघात और प्रपंच के कुचक्र से तिरोट सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और विदेशी पराधीनता को आजीवन नास्वीकार करने वाले देश के सपूत तिरोट सिंह ढाका में निर्वासन के दौरान शहीद हो गए। माटी के महान सपूत तिरोट सिंह को हमारा नमन।